जो एटीएम मशीन है उसको तोड़ करके वहाँ से जो कैश बॉक्सेस हैं उनको निकाला गया एंड टोटल 11,73,000। तो बेसिकली इस केस में कोई क्लू नहीं था बिकॉज काफ़ी नाइट टाइम में हुआ है। गुड आफ्टरनून टू एवरीवन। आज हम नाहरलगन पुलिस स्टेशन में एक गुड वर्क जो है पुलिस की तरफ से उसको आपको आपकी मीडिया के थ्रू बताने आए हैं। 26 जुलाई 2022 हमें एक इंफॉर्मेशन मिला, एक FIR रिसीव हुआ, जो कंकड़नाला एरिया है वहाँ एक ATM है जो कि SBI का है एंड उस ATM में बेसिकली जो ATM मशीन है उसको तोड़ करके वहाँ से जो कैश बॉक्सेस हैं उनको निकाला गया एंड टोटल 11,73,000 रुपए उस ATM से निकाले गए। इसके अकॉर्डिंगली नाहरलगन PS में हमने एक केस रजिस्टर किया 92/95/22 अंडर सेक्शन 457-380 लेटर ऑन 401-120B-201/34 IPC इसको हमने ऐड किया। तो बेसिकली इस केस में कोई क्लू नहीं था बिकॉज काफ़ी नाइट टाइम में हुआ है एंड देन दी जो कल्प्रिट्स थे उनके बारे में भी कोई आइडिया नहीं था। तो काफ़ी टफ केस है, इस हिसाब से हमने एक स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम जो है कंस्टिट्यूट किया जिसमें SDPO नाहरलगन वॉज दी लीडर DYSP देखियो गुमजा एंड उसके साथ में OCPS नाहरलगन इंस्पेक्टर खिक्सी अंको, इंस्पेक्टर जुमले कामदार, SI SS झा, कांस्टेबल कंतो सामियर, कांस्टेबल संदीप यादव, कांस्टेबल देवजीत बोरा, कांस्टेबल लकी तचो, अनुराग द्विवेदी, राज तमंग, पुण्यो तारी। तो इन सबको सबके साथ हमने एक टीम फॉर्म किया स्पेशल क्योंकि काफ़ी क्लूलेस सा केस था। तो इसमें काफ़ी डिटेल इन्वेस्टिगेशन करना पड़ा क्योंकि इनिशियल इन्फॉर्मेशन कम था। तो ऑलमोस्ट 300 आवर्स का CCTV फुटेज इसमें चेक किया गया, देन उसके थ्रू हमने एक व्हीकल आइडेंटिफाई किया जो कि चांसेस था कि एस्केप व्हीकल हो। तो उस व्हीकल में जो है एक स्टिकर चिपका हुआ था, तो बस उस स्टिकर के बेसिस पे एक गाड़ी फाइनली आइडेंटिफाई हुआ जो कि एक Hyundai i10 Nios कार था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर AS07S3611। तो ये कार हमने फाइनली आइडेंटिफाई किया, इसमें हमें 3 से 4 दिन लग गए थे। जैसे ही आइडेंटिफिकेशन हुआ है हमने अपना फर्स्ट सस्पेक्ट जो है मुस्तफिजुर रहमान इसको 6 तारीख को ऑन 6/8/22 गेकू जो कि मारियांग एरिया में अपर सियांग में सिचुएटेड है वहाँ से हमारा टीम ने जाके अरेस्ट किया। अपर सियांग पुलिस ने भी हमें इसमें काफ़ी सपोर्ट दिया। इसके अरेस्ट के साथ हमें फर्दर जो इन्वॉल्व थे उनका भी पता चला जो कि असम में लोकेटेड थे। तो फाइनली सोहिदुल अली, जोहिदुल इस्लाम, सादिक अली और नाबिर इस्लाम ये फर्दर 4 लोग हमने अरेस्ट किए ऑन 6th itself। सेम डे मारियांग से रिटर्न किया एंड यहाँ पे असम से हमने वेरियस लोकेशन से पिकअप किया। इसमें हमें OCPS लालूक एंड ICOP नोवेचिया दोनों ने काफ़ी मदद किया। इसके बाद हमें फर्दर पता चला कि ईटानगर में भी कुछ लोग हैं जिन्होंने सपोर्ट किया है, तो एक रुकुमुद्दीन और अरशद खान एलियास कल्लू जो कि हमारे गंगा विलेज साइड में रह रहे थे उनको भी हमने 6 तारीख को ही अरेस्ट कर लिया। जब इनसे पूछताछ की गई तो हमें पता चला कि ये जो बेसिकली असम बेस्ड लोग थे और ये रुकमुद्दीन और अरशद खान जो कि राजस्थान से हैं ओरिजिनली, तो इनसे ये पता चला कि 14th को फिर से एक इंसिडेंट का प्लानिंग है एंड इनके साथ एक ग्रुप जो कि हरियाणा से बिलोंग करते हैं वो इन्वॉल्व थे। तो ये जो हरियाणा का ग्रुप है इनके बारे में पता चला है कि ये इनका रेगुलर ऑफेंस है, इन्होंने काफ़ी दूसरे जगह भी ये इस वारदात को अंजाम दिया है रिलेटेड टू ATM। तो जैसे ही हमें पता चला कि ऐसा दूसरा गैंग भी है इसमें इन्वॉल्व, तो हमने इनसे पूछताछ की। पूछताछ में पता चला कि एक मोहम्मद जाहिद अलियास हाजी भाई, राहुल खान, सलमान, मोहम्मद खालिद और मोहम्मद हसीम ये लोग थे जो कि इनके साथ इन्वॉल्व थे।
शुरुआत बेसिकली अरशद खान एलियस कल्लू, जो कि गंगा में गंगा से जिसको अरेस्ट किया है, उसने बेसिकली सादिक और नाबिर जो निर्जुली साइड में रहते हैं उनको कांटेक्ट किया, और उनको कांटेक्ट करने के बाद उन्हें बताया कि हम हरियाणा से ऐसा ग्रुप बुला सकते हैं, एक गैंग है जो कि एटीएम पे काम करता है, और हमारे यहाँ क्योंकि काफ़ी सारा एटीएम है तो उसमें डेफिनेटली ये काम कर सकते हैं। तो इसके थ्रू इन्होंने जो हरियाणा वाला गैंग है उसको कॉन्टेक्ट किया, एंड आफ्टर कमिंग इन कॉन्टेक्ट इन्होंने प्लान किया कि 20 से 25 के बीच में इसको करेंगे, और पहले यहाँ आए, रेकी किया, चेक करने के बाद उन्होंने डिसाइड किया कि इस एटीएम को हम टारगेट करेंगे, और फाइनली 26th के नाइट में इसको अंजाम दिया गया। तो ये इंसिडेंट के बारे में पता चला, और क्योंकि हमें पता चला कि 14th अगस्त में फिर से एक टारगेट किया जा रहा है, बेसिकली जो कि हमारे पोलो कॉलोनी साइड में लोकेटेड एटीएम है उसको टारगेट किया जा रहा था, तो हमने अकॉर्डिंगली एक ट्रैप बनाया, एंड ट्रैप बना के 14 को ही दो लोग आ रहे थे, जिसमें एक मोहम्मद जाहिद एलियास हाजी भाई और दूसरा राहुल खान। तो इन दोनों ने एक गाड़ी में कुछ ऑक्सीजन सिलेंडर और गैस कटर वगैरह लेके आ रहे थे जो कि इस कार्य में उनको काम आता, तो उनको हमने वहीं से अरेस्ट कर लिया। तो एक तो पुराना केस भी सॉल्व हुआ है, दूसरा जो है एक नेक्स्ट इंसिडेंट जो हो सकता था उसको भी प्रिवेंट किया गया है। तो ये नाहरलगुन पुलिस टीम की तरह से बहुत ही अच्छा काम किया गया है। इस पे हमने फिर एक केस 10/22 अंडर सेक्शन 457, 380, 120B एंड 401 IPC एक रजिस्टर किया है, एंड इस ये जो केस है इसके साथ साथ जो 95/22 केस है उसमें भी अरेस्ट किया गया। तो टोटल दो केस हो गए। नाहरलगुन पुलिस टीम ने ये जो एटीएम थेफ्ट सॉल्व किया है इसमें फाइनली हमने टोटल 9 लोग अरेस्ट किए हैं। इसके अलावा हमने ऑक्सीजन सिलेंडर, गैस कटर, एलपीजी सिलेंडर भी इनसे रिकवर किया है जो कि वारदात में यूज़ कर रहे थे और करने वाले थे। देन जो कुछ सामान जो है इन्होंने एटीएम थेफ्ट के बाद रिवर में फेंका था वो भी हमने रिकवर कर लिया है। टोटल जो कैश है अराउंड 3.5 लाख इन्होंने जो है लोकल जो असम टीम है उनको दिया था, और बाकी जो है अपने बीच में बांट लिया था, तो उसमें से हमने टोटल 3.9 लाख के करीब रिकवर कर लिया है। एंड क्योंकि इन्वेस्टिगेशन अभी जारी है तो फर्दर रिकवरी और अरेस्ट सर्टेनली पॉसिबल है, तो इसमें हम आगे भी काम करते रहेंगे। कैपिटल पुलिस स्पेशली कॉन्ग्रेचुलेट करना चाहती है नाहरलगुन पुलिस टीम को, जो कि DYSP देखिए गुंजा के अंदर में एंड OCPS नाहरलगुन इंस्पेक्टर किसी हमको दोनों के सुपरविज़न में बहुत ही अच्छा काम किया है। एंड क्योंकि इस केस में क्लू हमारे पास नहीं था, एंड फर्स्ट टाइम काफ़ी सालों बाद ATM में इस तरह का इंसिडेंट हुआ है, एंड दिस इज़ एग्जेम्पलरी वर्क विच द टीम हैज़ डन, एंड आई रियली कॉन्ग्रेचुलेट देम, एंड आई वुड ऑल्सो लाइक टू थैंक ऑल द लोकल डेनिजेंस ऑफ द कैपिटल। काफ़ी अलग अलग लोगों ने, पब्लिक ने हमें मदद किया CCTV फुटेज निकालने में, उनको एनालाइज करने में, इसके अलावा जो जो इन्फॉर्मेशन हमें चाहिए थे व्हीकल के बारे में या लोगों के बारे में, ह्यूमन इंटेलिजेंस भी काफ़ी ज़रूरत था, तो उस सब में हमें काफ़ी मदद किया, एंड नॉट जस्ट फ्रॉम अरुणाचल बट ऑल्सो फ्रॉम असम पब्लिक ने, और असम पुलिस ने भी, और अपर सियांग पुलिस ने भी हमें काफ़ी मदद किया। सो आई स्पेशली वुड लाइक टू थैंक देम ऑल्सो, एंड फाइनली जस्ट अ सिंपल मैसेज दैट इफ़ यू हेल्प अस वी विल बी एबल टू मेक कैपिटल सेफर, एंड आपके मदद से ही हमने इसको भी सॉल्व किया है, तो क्रेडिट गोज टू ऑल द टीम एंड ऑफ कोर्स ऑल द पीपल हु हैव सपोर्टेड अस। PHQ के बारे में स्पेशली मैं कहना चाहूँगा, टेक्निकल सर्वेलेंस से लेकर के जो भी हमारा लॉजिस्टिक्स रिक्वायरमेंट्स हैं इस केस में, दे हैव रियली सपोर्टेड अस। सो आई वुड लाइक टू थैंक द डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस एंड द पुलिस हेडक्वार्टर सीनियर ऑफिसर्स फॉर हेल्पिंग अस इन दिस। थैंक यू।